चलो दोस्तों चलते हैं वाइट पत्थरों की खोज में, देखते हैं क्या एक भी मिलता है। नजर तो नहीं आ रहा एक भी पत्थर जो कि हो बिल्कुल सफेद। आता है मुझको बड़ा मजा कलेक्ट करने में वाइट पत्थर। नहीं है यहाँ एक भी वाइट पत्थर। खैर दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। और डेफिनेटली जैसा कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी बहुत मज़े में हूँ। एंड ये है नज़ारा जहाँ कुछ ज़ोरदार बारिश हुई है यहाँ पे, जिस वजह से ये नदी का रास्ता जो यहाँ से पानी ऊपर से आता है पहाड़ों से होकर कुछ ज़बरदस्त तरीके से मिट्टी कटी है। पानी की आवाज़ आप साफ साफ सुन सकते हैं। नेचर का जो वॉइस होती है उसका अपना ही एक हीलिंग पावर होता है। जब आप सुनते हैं तो आपका मन बहुत खुश हो जाता है, और जब भी आप खुश होंगे तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। ये बारिश का पानी इसमें कुछ मछलियाँ भी हैं, और ये पानी बहता जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई यहाँ पे, पर फिर भी बहुत ज़्यादा बारिश होने की कंडीशन में हम यहाँ इस तरीके से इसके अंदर तो नहीं आ सकते क्योंकि ये पूरा भर जाता है। फिलहाल ये थोड़े में ये हालत है। ये सामने आप यहाँ से हिमाचल देख सकते हैं, हिमाचल की पहाड़ियाँ। वॉइस ऑफ वाटर, इट इज अमेजिंग राइट। ये बच्चा पार्टी नदी का रास्ता बदल दे रहे हैं। इन्होंने सारे पत्थरों को फेंक फेंक के नो ओ ये शाम मस्तानी और बारिश का पानी बहती हुई नदी। ये तो मेरे ऊपर ही आ गया। सो खैर रेड जोन, इस तरीके के जोन से निकलकर आके ऐसी जगह पे रहना ये बहुत सुकूनदायक है। एटलीस्ट आप घर से बाहर निकल सकते हैं, आप बहुत सारे एडवेंचर के ऑप्शंस हैं जो कर सकते हैं। सो लाइफ इज ऑसम हियर। अ बर्ड,
अब शाम हो चली है, अब जाएंगे बैक टू होम।